हेलो एवरीवन, टुडेज स्टोरी इज अबाउट अ स्टबन बॉय। आज की कहानी एक जिद्दी लड़के की है जिसका नाम गोपाल है और उसकी उम्र लगभग 6-7 वर्ष है। वो हमेशा जिद करता है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे वो बना के दो। जब वो सुबह स्कूल जाता है तो उसकी मदर जो है उसके लिए बहुत ही जो है वो पौष्टिक ब्रेकफास्ट तैयार करती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे चिप्स चाहिए, मुझे कुरकुरे चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए, मुझे मैगी चाहिए। और जब उसकी मदर उसे एक गिलास दूध देती है तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। और जब उसकी मदर कहती है कि ये घर पे नहीं है, वो पैसों की जिद करता है कि मुझे पैसे दो, मैं ये सब चीज़ें स्कूल की कैंटीन से लेके खा लूँगा। और यही रिपीट होता है जब वो स्कूल से वापस आता है। उसकी मदर उसके लिए जो है वो डिनर में बहुत अच्छा जो खाना बना के रखती है, लेकिन वो डिनाई कर देता है। वो कहता है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए, कुरकुरे चाहिए, मैगी चाहिए। तो ऐसे लगातार करने से धीरे धीरे गोपाल की हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है। वो बीमार रहने लग जाता है, उसका मन स्टडी में नहीं लगता, खेल कूद में भी वो बहुत पीछे चला जाता है। और जब ये सब चीज़ें उसके मम्मी पापा देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि गोपाल उनके लिए सबसे प्रिय है, वो गोपाल को बहुत प्यार करते हैं। तो फिर इसको लेके एक दिन वो गोपाल के स्कूल जाते हैं, गोपाल की टीचर से मिलते हैं। और जब वो उसके टीचर से मिलते हैं तब टीचर भी उन्हें वही बात बताती है कि आजकल गोपाल का जो मन जो स्टडी में नहीं लगता, वो बहुत उदास रहता है, वो बीमार सा दिखता है, बाकी सारे बच्चे उससे आगे निकल गए और गेम्स में वो बहुत पीछे चला गया। तब गोपाल के मम्मी पापा टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे ही उसके लिए कोई सॉल्यूशन बताए। तब टीचर उन्हें एक प्लान बताती है। घर आ जाते हैं, 6-7 दिन बाद गोपाल का बर्थडे आता है। गोपाल के मम्मी पापा उसका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, जैसे आप सब जो बच्चों के पेरेंट्स जो मनाते हैं। उसके सारे दोस्तों को इनवाइट किया जाता है, उसके टीचर को भी जो उसकी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया जाता है। और उसकी बर्थडे पार्टी में वो सब कुछ जो है वो बनाया जाता है, रखा जाता है जो गोपाल को पसंद है। उसमें कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, चिप्स है, बर्गर है, कुरकुरे हैं, सब कुछ। और उस दिन गोपाल मन भर के ये सब चीज़ें खाता है। और अंत में गोपाल की टीचर उसे एक गिफ्ट देती है, उसे गिफ्ट में एक पौधा देती है और कहती है कि वो इस पौधे को अपने कमरे में रखे और ये पौधा उसको बहुत हेल्प करेगा, उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो गोपाल उस पौधे को पाके बहुत खुश होता है, उसे लाके अपने कमरे में रखता है। दूसरे दिन अपने मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मुझे पानी चाहिए पौधे में डालने के लिए। तो गोपाल की मम्मी कहती है कि पानी की क्या जरूरत है, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स डाल दे। फिर गोपाल कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, पौधे में कोल्ड ड्रिंक्स कैसे डालें, कि जब तू पानी की चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स ले रहा है, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए फ़ायदा करेगी तो पौधे में भी डाल दो। फिर पौधे में कोल्ड ड्रिंक्स डाल देता है, लेकिन दूसरे दिन देखता है कि पौधा मुरझाने लग जाता है। फिर अपने पापा के पास जाता है, बताता है कि मेरा पौधा जो मुरझा रहा है। फिर पापा कहते हैं कि उसमें खाद डालनी पड़ेगी, कहता है कि मुझे खाद ला के दो। फिर पापा उसके कहते हैं खाद की क्या ज़रूरत है, जो तू कुरकुरे और जो चिप्स खा रहा है उसको क्रश करके उसमें डाल दे। कहता है पापा ऐसे कैसे हो सकता है कि जब तू जो है वो पौष्टिक भोजन की जगह ये सब कुछ ले रहा है तो उसमें भी डाल दे। फिर वो उसमें वैसा ही करता है, लेकिन दूसरे दिन पौधा और ज़्यादा मुरझा जाता है। फिर वो अपने मम्मी पापा के पास आता है, कहता है कि मेरा पौधा बिल्कुल मुरझा गया है। फिर उसके मम्मी पापा उसे समझाते हैं कि जैसे पौधे के साथ हुआ है ठीक वैसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है, इन सब चीज़ों को लगातार यूज करने से तुम्हारी हेल्थ भी वैसे ही ख़राब हो रही है जैसे तुम्हारा पौधा हो गया है। क्योंकि जिस प्रकार से पौधे को पानी और खाद की आवश्यकता है, ठीक वैसे ही तुम्हें भी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है और वो घर के शुद्ध खाने से मिलते हैं। तब गोपाल को
उनकी बात समझ में आ जाती है और वो इसके लिए उनको सॉरी भी कहता है और प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो बाज़ार की कोई भी चीज़ नहीं खाएगा। और उसके मम्मी पापा उसे ये भी बताते हैं कि इन सब चीज़ों में जो है वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसके जो है वो लीवर को डैमेज कर देते हैं और उसके बाद वो इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, आपके मम्मी पापा से बढ़कर आपको कोई दूसरा प्यार नहीं कर सकता। उन्हें पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसलिए कभी जिद नहीं करें और घर पे जो पौष्टिक खाना बनता है वही लें। बाज़ार की चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, कभी भी पैसे के लिए जिद नहीं करें। इसके अलावा आपके मम्मी पापा जब भी आपको मोबाइल के लिए कहते हैं तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से बच्चों की आईसाइट वीक हो जाती है, बच्चों के ब्रेन पे जो बैड इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए वो कहते हैं, क्योंकि उन्हें आपसे ज़्यादा पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय। बी हेल्दी, बी हैप्पी।